बहुत प्यार करता हूं मैं दादी से, बहुत प्यार। बोलोगे ना? बोलूंगी, लेकिन आप मेरे साथ जाएंगे? आप मेरे साथ क्या जाएंगे? आप ही बोलेंगे, आलिया को बोलना कि वो ज्यादा जिद ना करे, क्योंकि मेरे जाने के बाद उसकी से बिल्कुल कौन पूरी करेगा। और हाँ, उसे सॉरी बोलना, सॉरी बोलना कि मैं उसकी आखिरी जिद पूरी नहीं कर पाया। तुम्हारा परिवार सबको बोलो कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी माँ, मम्मी जी, सबका कितना ख्याल रखती है वो, और उसके हाथों में तो जादू है। कितना अच्छा खाना बनाती है वो, और रॉकस्टार दादी, बहुत मिस करूंगा मैं रॉकस्टार दादी को। तुम सबसे कहना कि पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। समझते क्या हो तुम अपने आप को, और जब बुलाया तो आई क्यों नहीं? अपने आप को क्या कहीं की क्वीन समझती हो? पछताओगी। अगर मुझे जरा सा भी हल्के में लिया तो बहुत ज्यादा पछताओगी। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? एक तरफ मुझे फोन करते हो और दूसरी तरफ बुलबुल को। आखिर चाहते क्या हो तुम? एक्स्ट्रा इनकम। देखो, इस सबूत की अभी सबसे ज्यादा जरूरत उसे है जो अपनी जान बचाना चाहता है। उसे नहीं, जो किसी और की जान के पीछे पड़े। तो सबूत मैं बुलबुल को नहीं, तुम्हें ही देता। अरे क्या करूं, मुझे लग रहा है कि मुझे बुलबुल से भी कुछ पैसे मिल रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्या है कि तवा ठंडा होने से पहले अगर उस पे एक दो रोटी सेक ली जाए, उसमें हर्जी क्या है? तुम्हें लग रहा है कि मैं ब्लाइंड गेम खेल रहा हूं। ठीक है, एक काम करता हूं, कल सुबह शहर को छोड़ के मैं चला जाता हूं, और साथ ही सारे सबूत मैं पुलिस को देके जाता हूं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस घर में घुसने के लिए किडनैपर्स की मदद और किसी ने नहीं बल्कि तुमने की थी। गुड बाय। नहीं नहीं, देखो तुम तो बुरा मान गए। पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे ही तो करूंगी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तुम 10 लाख रुपए लेकर पवेल एक पहुंचा, पैसे मिलते ही सारे सबूत मैं तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है, इस डील के बारे में सिवाय तुम्हारे और मेरे अगर किसी को पता चला, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और हाँ, अगर तुम नहीं आए तो सारे सबूत तुम्हारे घर या फिर पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। ठीक है, बस बहुत हो गया। इतना तो मैंने उस कॉर्पोरेटर को भी नहीं बोलने दिया। इतनी टेंशन में ये फालतू का सिर दर्द मैं नहीं लूंगी। इसका तो आज ही चैप्टर क्लोज करना ही पड़ेगा।
सॉरी सर। उसे बोल तो दिया आने के लिए, पर जिसे जानती नहीं उस पे भरोसा कैसे कर लूं? क्या पता उसने बुलबुल को भी वहीं बुलाया हो। अगर उसने उसे वहां बुलाया होगा ना, तो पक्का वो मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। पर अभी मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं? हाँ, बुलबुल को फोन करके पूछती हूँ वो कहाँ है। आलिया पुनीत के पास गई या नहीं? घर में तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, शायद गई होगी। आलिया, बुलबुल तुम कहाँ? आलिया मैं अपने घर हूँ, अब माँ के पास। तुम कहाँ हो? मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ। क्या ना, मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से मैं पता चल जाए कि भाई और भाभी कहाँ हैं। और उस आदमी ने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की फिर से? कोई फोन आया या कोई मैसेज? नहीं आलिया, मुझे अब तक उसका फोन नहीं आया। मैं कब से उसके फोन का इंतजार कर रही हूँ। अगर उसका फोन नहीं आया ना, तो मैं खुद चली जाऊंगी उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में पता करना है कि वो कौन है जिसने किडनैपर्स की मदद की है। और हाँ, मैंने पूरब से पैसे भी ले लिए। अब मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा है। मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर वो कौन है जिसने उन किडनैपर्स को घर में आने के लिए मदद की। तुम ऐसे जरूर करना। और मैंने काम किया, मैंने आज पूरा दिन तुम्हारे लिए खाली रखा है। सो यू कॉल मी व्हेनेवर यू आर फ्री या कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है। ओके, थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू, बाय। लगता है आलिया पूरी तरह से मेरी जाल में फंस चुकी है। वो वही जा रही है जहाँ पुनीत ने उसे बुलाया है। तभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहाँ हूँ। ये आखिरी मौका है बुलबुल तेरे पास। अगर आज आलिया तेरे हाथ में नहीं आई ना, तो फिर शायद कभी नहीं आएगी। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैंने पता कर लिया है, जिस किसी ने भी दी और जीजू को किडनैप करने के लिए हेल्प किया है, वो और कोई नहीं बल्कि आलिया है। बुलबुल तुम फिर से शुरू हो गए। हम लोग यहाँ पे सब प्रज्ञा दिया और अभी को लेके इतना टेंशन, और तुम आलिया पे इल्जाम लगा रही। क्यों उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? जस्ट स्टॉप इट। बुलबुल ठीक कह रही है बेटा, आलिया पे शक करके बच्चे तो वापस घर नहीं आ जाएंगे ना। मुझे पता था आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं सिर्फ आलिया का नाम नहीं ले रही हूँ, मेरे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत भी है। सबूत? क्या सबूत है इसके पास? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, जहां पर आलिया खुद वो सबूत लेने के लिए आने वाली है। बोल एक मिनट, तुम क्या कह रही हो? हम में से किसी को यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज बी क्लियर। देखो पूरब, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैंने आलिया से झूठ बोला ताकि मैं उसे फंसा सकूं और ताकि मुझे पता चल सके कि उसके मन में क्या चल रहा है। दादी, मुझे आलिया पर पहले से ही शक था, इसलिए उस शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने पुनीत की हेल्प की, जो मेरे मामा जी का बेटा है। उसने एक अननोन इंसान बनके आलिया को फोन किया और कहा कि उसके पास वो सबूत है जो वो इस घर में और पुलिस को दे देगा। देखो पूरब, अगर वो इनोसेंट होती तो ये फोन कॉल से नहीं डरती, लेकिन आलिया डर गई पूरब, और वो सबूत खरीदने के लिए वो पुनीत को 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मैं जानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन सच को सामने लाने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। वो बस वो सबूत खरीदना चाहती है और वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि वो हमेशा के लिए सेफ रहे। देखो आप लोग तब भी यकीन करोगे मुझ पर जब आप खुद चलकर आलिया को उस जगह पर वो सबूत खरीदते हुए देखो। यकीन तो मुझे भी नहीं होता। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। वही तो मैं कह रही हूँ कि हम अभी प्रज्ञा के किडनैपर को ढूंढने के बजाय ये देखने आए कि आलिया उस किडनैपर के साथ इन्वॉल्व है या नहीं। ये लोग यहाँ पता लगाने आए हैं कि इस किडनैपिंग के पीछे आलिया का हाथ है या नहीं, लेकिन मुझे तो पहले से ही पता है ना। पर मिताली, आलिया को तो ये बात पता नहीं है कि वो यहाँ पर फंसने वाली है। लेकिन अगर वो पकड़ी गई तो फिर वो तेरा नाम भी तो लेगी, तुझे भी पकड़वाएगी। चुपचाप यहां से खिसक ले मिताली। पर यही तो मौका है मिताली, आलिया की बैंड बजते हुए देखने का। जब वो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी ना, तो उसकी शक्ल देखने लायक हो, और फिर
फिर मुझे जो ठंडक पहुंचेगी ना कलेजे में, वो तो सिर्फ मुझे ही पता है। और अगर पकड़े जाने के बाद वो मेरा नाम लेगी तो फिर मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। पर अभी ये लाइव टेलीकास्ट का मैं मजा नहीं छोड़ सकती हूँ। आलिया यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती है। इससे पहले कि वो यहाँ आए, हम सब लोग को अंदर चुप जाना चाहिए, क्योंकि अगर आलिया ने हम में से किसी को भी देख लिया ना तो वो वापस चली जाएगी, फिर हम उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। अब इन्हें ठीक कर दो, मुझमें हिम्मत नहीं लगेगी, मुझे हिम्मत नहीं इस हालत में देखने की, मैं नहीं होगा। और प्यार मैंने किया तो सजा नहीं क्यों मिल रही? इन्हें ठीक कर दो प्लीज, इन्हें मुझसे अलग मत करना प्लीज, प्लीज अब इन्हें ठीक कर दो भगवान प्लीज। मानोगी नहीं तो, अच्छा मौका मिला था जान छुड़ाने का, लेकिन तुम हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। लगता है तुम्हें मेरा दिया हुआ टॉर्चर बहुत पसंद आता है ना। ठीक है तुम घर चलो, फिर देखा था। चुपचाप लेट रही, तुम घर तो चलो, फिर बात दिखाऊंगा। वैसे गर्मी बहुत हो रही है, या फिर कोई एसी वैसी है क्या? ये सब क्या? Is this some kind of a joke or something? क्या है ये सब कुछ? ये फोटोज तो देनी थी तुम्हें। तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। जो तुम हो उसे समझने की जरूरत ही क्या है? Listen, मिस्टर, मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। आलिया मेहरा नाम है मेरा। अगर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी वो हालत करूंगी मैं कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। बताओ प्रूफ का कहाँ है? प्रूफ बताओ, मुझे चाहिए वो प्रूफ। तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? ठीक है मिल जाएगा, पर वो प्रूफ तुम्हें मैं नहीं ये देंगी। और यही नहीं, इन सब के पास प्रूफ है। आज तो गई आलिया काम से, लेकिन मिताली तू यहीं छुपी रहे, वरना अगर तू सामने आई ना तो ये सारा ब्लेम तुझ पर डाल देगी। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तू ऐसा कर सकती है, और तू तो सच में किडनैपिंग से जुड़े प्रूफ खरीद रही थी।
ही थी ना जिसने किडनैपर की मदद की थी, और ये किडनैपिंग भी तू ने ही करवाई थी। नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई हो यहाँ, बोल। दादी, दादी मुझे फंसाया जा रहा है, कोई मुझे फंसा। बुलबुल ने सब कुछ किया। ये चाहती ही नहीं कि मेरी फैमिली मेरे साथ में रहे, सबके सामने मुझे नीचा नीचा दिखाना चाहती है दादी, ये सब कुछ इसी ने किया है। जस्ट शट अप वाली, जस्ट शट अप। ओके, कितना झूठ बोलोगे? हाँ, और क्या कह रही थी तुम? ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने प्लान किया है तुम्हारे खिलाफ। यहाँ पर किसने बुलाया था तुम्हें? मैंने बुलाया था? नहीं, देखा आप सब लोगों ने, मैंने कहा था ना मुझे आलिया पर शक है, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। सेल्फिश हो तुम, अपनी फैमिली की खुशियां देखी नहीं जाती ना तुमसे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने खुशियों के बारे में सोचती हो, अपने भाई के बारे में कभी नहीं सोचा। जस्ट शट अप बोल, शट अप आलिया, जस्ट शट अप। ओके, गुड बॉय। नाउ तुम भी ना एक नंबर की फुगी हो। इतना अच्छा मौका मिला था तुम्हें मुझे जान छुड़ाने का, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। जानी दुश्मन से जानी दोस्त बन गई। जानी, ज्यादा पक पक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप थैंक यू भी बोल सकते। थैंक यू किस लिए? किस लिए थैंक यू? तुम्हें पता है अगर तुमने मेरे अंदर से गोली नहीं निकाली होती ना, तो मुझे किसी संजीवनी बूटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं वो गोली मेरे बदन से अपने आप बाहर निकल के पिघल जाती। पता है क्यों? क्योंकि I'm a rockstar। तुम देख रहे हो मुझे, इतने जल्दी होश आ गया मुझे, वरना अगर मेरे बदले में किसी को गोली लग जाती तो 50 दिनों तक खटिया में ही पड़ा रहता। हाँ, बस नहीं, लेकिन मैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, रॉकस्टार है ना, सूप पी लीजिए, लाइक रॉकस्टार। नहीं प्लीज, प्लीज, रॉकस्टार सूप नहीं पीते, मैं अब शैंपेन पीऊंगा। पहले सूप पी लीजिए, फिर मैं शैंपेन भी लेकर आऊं, लाइक अ रॉकस्टार। मैं तो बस अपने भाई और भाभी को घर पे वापस देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही थी। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर आखिरी बार कह रही हूँ, और दोबारा कह रही हूँ कि इस किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये, रो रो के दिखा रही है सबको, पर आंसू तो एक भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ आलिया, वो आदमी कौन था जो तुमसे रात में मिलने आया था, वो भी तुम्हारे घर के बाहर, जिससे तुम चुप चुप के बातें कर रही थी, धमका रही थी? ठीक है, अभी भी मान लिया कि तुम इनोसेंट हो, तो मुझे एक बात बताओ, तुम उस जगह पर क्या करी थी जिस जगह से जीजू ने होली के दिन फोन किया था? उस दिन मैंने घर में बताया तो था बुलबुल। गॉड, मैंने उस फ्रेंड के बारे में आप सबको बताया था जो प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसका ऑफिस है वहां पर, मैं उसी से मिलने गई थी। तुम फिर से झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही बुलबुल, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये लो, तुम खुद उससे बात करो, उससे पूछो कि सच क्या, तभी तुम्हें विश्वास होगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। ए फुगी, हाँ? इस टी-शर्ट पे खून। फुगी, मेरी ये टी-शर्ट फाड़ी किसने? यहाँ पे मेरे अलावा आपको कोई और नजर आ रहा है? मतलब तुमने कहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया? आपका मतलब क्या है? इतनी बुरी बनने की जरूरत नहीं, तुम अच्छी तरह जानती कि मेरा मतलब क्या है। एक अकेला रॉकस्टार ना खुली तिजोरी की तरह होता है। तुमने मेरी बेहोशी का फायदा तो नहीं उठाया ना? कुछ भी मत बोलिए आप, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी हूँ। बच गए, अगर मेरी इज्जत चली जाती तो मैं अपने फैंस को क्या मुंह दिखाता। आराम से लेटे रहिए ना, लेटने को कहा है ना। वैसे यहाँ पे रहने के लिए कुछ होगा? आओ, आराम से देखती हूँ। ओह,
इस अलमारी में शायद कुछ हो। फुगी, घर में कोई नहीं है, इसका मतलब चोरी करोगी तुम? जो चीज आसानी से मिल जाए उसे चोरी नहीं कहते। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी समझ में आ जाएगा। उस दिन आलिया मेरे ही पास आई थी हमारी एजेंसी को वो किडनैपिंग का केस देने के लिए, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन है जो इस किडनैपिंग में किडनैपर्स की हेल्प कर रहा है, और हमने उनका पता भी लगा लिया है। किसी के ऊपर शक करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे साबित करना उतना ही मुश्किल। लेकिन जिसने ये किडनैपिंग की, मैं उसके खिलाफ सबूत भी सबके सामने लाऊंगी। इतनी आसानी से मैं उसे जाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जब उसका नाम सुनेंगे ना, तब आप सब लोग हैरान रह जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सबके सामने सच्चाई ला कर ही रहूंगी। बुलबुल का शक बिल्कुल सही था। घर के किसी मेंबर ने उन किडनैपर्स की मदद की थी उनकी किडनैपिंग करने में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उस इंसान को घर का कहूं या बाहर का। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इस चीज से पड़ता है कि वो इंसान कौन है। आलिया, तुम क्या कहना चाहती हो साफ साफ कहो। गांधी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस इंसान का नाम मैं बताने वाली हूँ वो कोई और नहीं बल्कि आपके घर से। इन्ना पालिया, अपनी बेशर्मी की हद अपने घर तक ही रहो ना तो बेटर होगा। उसे पार करके मेरे घर तक आने की जरूरत नहीं, और मैं अपने फैमिली के बारे में तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी, समझे तुम? एक्चुअली आई एम सॉरी, टेक्निकली देखा जाए तो वो तुम्हारे घर की मेंबर है ही नहीं, क्योंकि जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसने भाई और प्रज्ञा भाभी का किडनैप करवाने में मदद की है, वो कोई और नहीं। पूर्वी इस चिट्ठी पे वो कुछ नहीं। ये चिट्ठी किसकी जेब से गिरी? आपकी। तो कौन डिसाइड करेगा कि इस चिट्ठी में कुछ है कि नहीं? आप। कुछ खास है नहीं उस चिट्ठी में। तुमने पढ़ा है इसे? तो फिर तुम्हें कैसे पता? कंडीशन, इस पेपर की कंडीशन को देखकर लग रहा है कि इसमें कुछ खास नहीं होगा, है ना? वैसे इसकी कंडीशन ना, हम दोनों से अच्छी है। ये फुकी जानबूझ के मुझे ये पेपर पढ़ने नहीं देना चाहती, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है। इधर आओ। मैं? नहीं, तुम्हारे पीछे वो भूत खड़ा है, उसे बुलाओ। या फिर तुम्हारे अलावा कोई है? नहीं ना, तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं। तुम टीचर हो ना? तो फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ाए होंगे। हाँ, क्यों? अब तुम मुझे भी फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाओ। मेरा मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स भरने में मेरी मदद करो। देखो ना क्या अजीब लिखा हुआ है। अब बहुत दिनों से, फिर बीच में कुछ नहीं है, और फिर यहाँ नीचे जिंदगी में कभी कभी, फिर ये यहाँ पर आखिरी की तरफ
प्यार लिखा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा है, कितना कंफ्यूजिंग है। तुम्हें लंबी लंबी सांसें भरने को नहीं कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने को कहा। मैं क्यों बताऊं? जीन्स तुमने धोई है ना, तो अब तुम्हें ही बताना पड़ेगा। मुझे नहीं पता। तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं। किसी काम की नहीं होता। अरे जीन्स धोने से पहले जेब चेक नहीं कर सकती थी? अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो अब तुम्हारी वजह से मैं कभी जान नहीं पाऊंगा कि इस लेटर में क्या लिखा था। अब इस चिट्ठी के साथ इसमें लिखी हुई बात भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक मेरी माँ और दूसरी किताबें। माँ ने मुझे जन्म दिया तो किताबों ने जीना सिखाया, माँ ने चलना सिखाया तो किताबों ने अपने पांव पर खड़ा होना सिखाया। दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। माँ की जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन किताबों की जगह किसी और ने ले ली। आपको पता है जिंदगी में कब ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी की सारी खुशियां आपको एक पल में मिल गई हों, जैसे आपने जिंदगी से जो कुछ भी मांगा हो आपको सब कुछ मिल गया। जिंदगी की हर बोरिंग चीज इंटरेस्टिंग लगने लगती है, 100 साल की जिंदगी छोटी लगने लगती है, जब आप चलते चलते सोचने लगते हैं, सोचते सोचते चलने लगते हैं, दिमाग आपके दिल की नहीं सुनता, दिल दिमाग की नहीं सुनता, कुछ समझ ही नहीं आता। जब किसी और की तकलीफ में आपकी आंखों में आंसू आ जाते हों और किसी और की खुशी में होठों पर हंसी। मैंने भी ऐसा महसूस किया है, कई बार सोचा कि दिल की बात कह दूं, लेकिन कभी कभी हिम्मत नहीं होती थी तो कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन आज मैं सब कुछ कह देना चाहती हूँ, उसके बाद मेरा प्यार मुझे अपनाए या ना अपनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम ये खुशी तो होगी कि मैंने आपसे सब कुछ कह दिया। आई लव यू, आई लव यू बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।